मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जी के क्विज में। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो संविधान सभा के सदस्य में जो थे वो शामिल नहीं थे, वो थे महात्मा गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जो थे वो थे जीबी मावलंकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे सर बीएन राव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान जो था वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। आप लोगों में से बहुत सारे का जवाब होगा 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को जो था वो हमारा गणतंत्र स्थापित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। भारत का पहला जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था वो किया गया था संविधान सभा द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो हमारा राष्ट्रगान जो था वो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो जो नाना साहेब जिनको कहा जाता था वो थे बालाजी बाजीराव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने रोपण में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो वो गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिंक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो लखनऊ में है और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था। तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो था वो थे बालाजी विश्वनाथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिख सेना कहलाती थी। तो सिख सेना जो कहलाती थी वो कहलाती थी खालसा, जिसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह था। तो बहादुर शाह जो था वो था अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव द्वीप यानी आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है। तो जो मानव द्वीप है वो है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सवाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं। तो सवाना चरागाह जो है वो मुख्यतः अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? तो जो लेक सुपीरियर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है समुद्र तल से ऊपर वो है हिमालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? तो जर्मनी में जो नदी बहती है वो है डेन्यूब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा वो बढ़ जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग भी गिर जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस स्थिति को कहा जाता है एक क्रेताधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध करवाया गया था? तो औरंगजेब द्वारा जिस सिख गुरु का वध करवाया गया था वो थे गुरु तेग बहादुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्त हाउस 1739 में कौन ले गया था? तो वो था फारसी आक्रामक नादिर शाह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला मराठा शासक शिवाजी का नहीं था? तो जो किला शिवाजी का नहीं था वो था अमेर। बाकी तीनों रायगढ़, सिंधुदुर्ग और पद्मदुर्ग तीनों मराठा शासक शिवाजी का था। तो दोस्तों, यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।